दोस्तों, सारे दोस्त तेरे ट्रिप पे आ रहे हैं। तो किसे दोस्त को? नहीं, तो मेरे दोस्त ने बोला था। तो अभी हम इतने खूबसूरत टांडा के जंगल में से गुजर रहे हैं और उसकी खूबसूरती आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरा मेरी तरफ है। अगर आप कहते हैं तो मैं उधर कर देता हूँ, लेकिन ये भी बात है, आप देख कहेंगे कैसे क्योंकि आप तो मेरे साथ है ही नहीं अभी। तो चलो फिर भी मैं खुद ही समझ के ना कर देता हूँ आपकी तरफ। लो देखो उधर। तो दोस्तों, अब हम ये एक जंगल से रास्ते में जा रहे हैं और ये जंगल का जब स्टार्ट हुआ था तो उसको उस जगह का नाम है जो आपने शायद कभी ना सुना हो, और सुना हो तो ज़रूर बताइएगा। तो उस जगह का नाम है चोर गलिया और अभी हम धीरे धीरे एक दूसरी अमेजिंग जगह की ओर एंटर कर रहे हैं जिस जगह का नाम है गोला पार। नदिया के पार जैसा था ना, इस तरह यहाँ पर भी गोला पार है क्योंकि उत्तरांचल और हल्द्वानी में एक गोला है बहुत बड़ी जो शायद आपने सुनी हो, तो उस गोला के पार है। और आपने कई वीडियोस देखी होंगी सौरभ जोशी की, उसमें भी आपको दिखाया गया होगा कि गोला के पार जैसे नदिया के पार उस तरीके का है। तो यहाँ पे क्या है, मौसम बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही इंटरटेनिंग है। आप ज़रूर आए। और इस बात पे मेरा फ़ोन गिर गया है तो दोस्तों एक मिनट में ज़रा फ़ोन डालो, इट्स टू एक्सपेंसिव। तो उठा ली, अरे गाड़ी चली गई इधर उधर। अरे भाई पीछे गाड़ी वाले गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, कह रहे भाई आराम से चलाओ। अब उन्हें तो नहीं पता ना मेरा फोन गिर गया था। चलिए मैंने फोन उठा के रख लिया है। और वैसे भी कहते हैं ना ड्रिंक ऑन ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, बट फोन तो फिर भी उठाना बनता है, तो फोन उठा लिया। तो आगे मैं बता रहा था, आगे फिर ये रास्ता बहुत शानदार है, एकदम साफ स्मूथ है। तो अगर आप आए कभी किसी से पूछना चाहें कि गोला पार कहाँ है तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे चले जाना। यहाँ से राइट जाना है। अभी मेरे भांजे ने मुझे बताया, मैंने इसको थोड़ी देर पहले बोला था कि यार थोड़ा सा पहले बता देना, तो जहाँ ट्रैफिक था तो वहाँ तो ये भूल जाता है और जहाँ एकदम खाली रोड है वहाँ मेरे को लगता है दो मिनट पहले ही बोल देता है कि यहाँ से राइट है या लेफ्ट है। अभी ये नव दुर्गा मेडिकोज आ गया, बहुत फेमस जगह ये। यहाँ पे दवाइयाँ जो है ना 30% डिस्काउंट पे भी मिल जाती है, प्रोवाइडेड वो मेडिसिन आपकी होनी चाहिए इनके पास। तो ऐसा नहीं है, अच्छी जगह है ये बहुत। अभी सरोवर स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो सरोवर तो नहीं है आसपास लेकिन हाँ फैमिली रेस्टोरेंट है, बढ़िया है। डॉक्टर रोहित बेलवाल जी आए हैं। तो बेलवाल जी का तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस सरनेम है। ओ एक मिनट भाई, ओए बस 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 बच गए, ट्रक पेट्रोल ट्रक था ये और इनसे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनमें तो बस तील ही दिखाने की जरूरत है, बाकी सब तो ये खुद ही लेके चल रहे हैं। तो इसलिए इनसे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। और यहाँ भी अभी मुझे सीधे ही जाना है। तो दोस्तों मस्ती मजाक करते रहते हैं हम, और मेरी बहन बोर हो रही है, जरा उनको भी सुनते हैं क्या कह रही है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अरे फिर भी कह लो। नहीं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अरे वो कहना ही नहीं चाह रही है, उन्हें ना शर्म आ रही है, हाँ इलाज है उनके अंदर बहुत। तो बस फुल मस्ती मजाक करते हुए चलेंगे, थोड़ा रास्ता और एंजॉय करेंगे। ये देखो हमारे ना इंटरनेशनल फैन भी हमें वीडियो कॉल कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो ये आप हाँ भैया, जिंदगी के अंदर काले नहीं पे कुछ प्यारे बड़िया बड़िया गल घर छोटिया छोटिया गलों मैं गाने पै जाते मैं समझा कि दुनिया के चंद तो ज्यादा
सिख कह रहे हैं, कह रहे हैं गुरु साहब जी को, गुरु साहब जी कोई गलत कहा जावे आप इस तरह करो कि कुछ नहीं के शब्द देखो कि अभी तो गुरु साहब तो जा दवांगे कि जब मैं भी ना बात कर सिख इस सुना दे ऑन अब चलता रही बेटा। दोस्तों जी हमने अभी गुरुद्वारे बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं लंगर चखने। देखो लंगर चखना प्रसाद होता है, बट अभी तो बहुत भूख लग रही है तो बस अच्छे से चखेंगे हम प्रसाद। सभी को भूख लगी है और मेरी बहन भी, मैंने देखो प्रसाद लिया और दे दिया मेरे को। क्या हुआ था, ये बाबा जी का ये प्रसाद नहीं आशीर्वाद होता है कि आपके सारे बुरे काम, जो बुरे तो नहीं मैं अच्छे ही करता हूँ, बट जो भी काम है आपके वो सारे बन जाए। अब हम जाएंगे लंगर चखने, आप आइएगा तब आपको भी मिलेगा। मामा चखते हैं।